व्हाट्सअप गाइस, दिस रितेश एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो रितेश क्रिएशंस। सो यार सॉरी यार, अभी रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रही हैं चैनल पे, लेकिन अब से यार सीरियसली रेगुलर वीडियोस आएंगी। एंड मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ अपने चैनल पे कि यार मैं अभी पिक्सार्ट की वीडियोस तो बिल्कुल नहीं बनाने वाला हूँ, मतलब बिल्कुल नहीं, मतलब देख लूंगा अगर मन करा तो। लेकिन उससे पहले ये सवाल है आप लोगों से, क्या आप पिक्सार्ट में उतने ही इंटरेस्टेड हो जितने कि पहले थे? मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आप पिक्सार्ट की वीडियोस पे उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा जितना कि पहले मिलता था। अब इसका रीजन ये हो सकता है कि यार पिक्सार्ट में आप लोग सब कुछ सीख गए हो या फिर पिक्सार्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं रहा। तो मुझे ये बात कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में करने वाले कुछ इस तरीके का फोटो, एंड ये फोटो मैं करने वाला लाइट रूम प्रीसेट की मदद से। तो प्रीसेट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत ही अच्छी सी सुंदर सी लिंक मिल जाएगी, उसे आप सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो थम्स अप करना मत भूलना मेरे भाई। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि हमारे 1 मिलियन होने वाले हैं, तो कर दो सब्सक्राइब। क्या यार, आप भी 1 मिलियन के चैनल का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आपको जैसे आप प्रीसेट को डाउनलोड कर लेंगे तो मैं आपको डाउनलोड का जो अपना फोल्डर है वो दिखा देता हूं यहां पर। सो ये रहा मेरा डाउनलोड का फोल्डर, तो वो .dng फाइल आपको यहाँ पर दिख रही है, ये रही। सिंपली से हम यहाँ से सेंड करके ओपन कर लेंगे अपना एड टू लाइट रूम। सो जिन लोगों को नहीं पता कि प्रीसेट वगैरह क्या होता है, कैसे इंपोर्ट करना होता है, ये वो जो भी दिमाग में अगर कोई भी खुराफाती सवाल आ रहा है, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो वीडियो देख लेना पूरा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि प्रीसेट कैसे काम करते हैं। तो सिंपली हम ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर देखेंगे कि हमारा इंपोर्ट हो चुका है। सो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये प्रीसेट है कैसा। तो आप देखेंगे ये जो प्रीसेट है कुछ इस तरीके का है, एक ब्लू कलर का एकदम फेडेड सा लुक है इसमें पॉप, मतलब इसीलिए मैंने इसका कलर ब्लू फेड पॉप रख दिया। अब मेरे से ये मत पूछना क्यों रखा है, ऐसा क्या बात है, क्योंकि मैंने जो भी नाम आया रख दिया, प्रीसेट का हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। सो मैं अपना वो फोटो दिखाता हूँ जिसके लिए मैंने इसे बनाया था, एंड जिस टाइप की फोटोज आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस फोटो में यार, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपोज है, मतलब बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा लाइट है, ओवर लाइट। तो यहाँ पर उस फोटो को यार हमने वैसा बनाया जस्ट एक क्लिक में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रीसेट डाउनलोड करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर आपको कॉपी सेटिंग एक ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली सर्च करेंगे कॉपी सेटिंग, ओके, एंड यहाँ से आ जाएंगे बैक, एंड अपने फोटो पे करेंगे क्लिक, 3 डॉट पे क्लिक करके इसे यहाँ से कर देंगे पेस्ट सेटिंग, एंड बूम, आपका फोटो जस्ट एक क्लिक में एडिट हुआ है। तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने मतलब आपको पेस्ट कर दिया एंड आपका फोटो खराब है तो आप खराब ही आप यहाँ पर रेंडर कर दो। तो गाइस, आप इसे कैसा भी एडिट कर सकते हैं मैन्युअली, तो यहाँ पर आप इसे मैन्युअली भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो मैं अब इसे आपको दूसरे करके दिखाता हूँ, दूसरे फोटो पे। तो ये देखिए, ये रहा मेरा दूसरा फोटो। तो दूसरे फोटो पे 3 डॉट पे क्लिक करके मैं सेट कर दूंगा यहाँ से पेस्ट सेटिंग, एंड देखेंगे दूसरा फोटो भी बहुत ज़्यादा औसम यहाँ पर लग रहा है। तो आप इसे थोड़ा बहुत मैन्युअली भी एडिट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप कलर टूल वगैरह में जाके, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको प्रीसेट पसंद आए तो थम्स अप करना मत भूलना, एंड अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट करना, उस सवाल का जवाब जरूर देना, एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।